हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में इंग्लिश में राइटिंग स्किल के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे नोट मेकिंग। नोट मेकिंग किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक उदाहरण लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको जो है इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले नोट मेकिंग का अर्थ क्या होता है, जैसा कि आप इसके नाम से ही कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे कि नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है। यहां पर लिखा है कि नोट मेकिंग से तात्पर्य संक्षिप्त कथन से है। नोट मेकिंग से तात्पर्य क्या है, संक्षिप्त कथन से है, किसी विस्तृत चीज को संक्षिप्त करने से है। यह तथ्यों का संक्षिप्त लिखित रिकॉर्ड होता है। इसका प्रयोग प्रायः किसी भाषण अथवा इमला का लेखा रखने के लिए किया जाता है। देखिए, ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार होने के साथ ही लेखन की अनेक विधाओं का भी विस्तार होता जा रहा है। नोट मेकिंग भी एक नवीन विद्या है जिसके अंतर्गत विस्तृत विवरण को याद रखने के लिए संक्षेप में लिख लिया जाता है तथा बाद में उसको पुनः आवश्यकता के अनुरूप विस्तार से लिख लिया जाता है। इसमें जो है प्रतिष्ठित लोगों के साक्षात्कार को भी इसी विधि से लिखा जाता है। आप देखते होंगे कभी रिपोर्टर जाते हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री हो या कोई महान शांति के क्षेत्र का हो या कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो जिसने महान कार्य किए हो, तो जब उसको साक्षात्कार लेते हैं तो जो भी बोलते जाते हैं तो वह उसे संक्षिप्त में नोट करते हैं। उनके पूरे भाषण को इतने कम समय में वह लिख नहीं सकते, तो इसे ही नोट मेकिंग बोलते हैं। और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों द्वारा दिए गए व्याख्यानों को भी छात्र इसी विधि से नोट करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी नोट मेकिंग की उपाध्यता महसूस की जा चुकी है। इसको ब्रीफ स्टेटमेंट या इसको मेमो भी कहा जाता है। सामान्य अर्थ में समझिए कि नोट मेकिंग का अर्थ है नोट बनाना। क्या अर्थ इसका नोट बनाना। इस विधि के द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए नोट बनाया या लिखा जाता है। नोट के बिंदुओं को पढ़कर पूरे घटनाक्रम का स्मरण होता है और बिंदुओं को समझकर या उन्हें विस्तार देकर पुनः विस्तृत सामग्री को लिखा या प्रकट किया जा सकता है। अब नोट लिखने का महत्व क्या है, इसको भी जरा ध्यान से समझिए। आप मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए, नोट लिखकर भविष्य में पूरे घटनाक्रम को पुनः स्मरण कर लिखा जा सकता है। नोट की सहायता से परीक्षा कक्ष में परीक्षा से पूर्व विषय सामग्री को पुनः याद किया जा सकता है। नोट की सहायता से विस्तृत निबंध को लिखा जा सकता है। इसकी सहायता से किसी गद्य खंड का सारांश तैयार किया जा सकता है। विशिष्ट व्यक्ति से हुई मुलाकात या वार्ता को नोट लिखकर सुरक्षित किया जा सकता है। किसी घटनाक्रम या विषय वस्तु पर इस विधि द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। विस्तृत और उलझे हुए विषयों को इस माध्यम द्वारा सारभूत रूप में संजोया जा सकता है। किसी कथानक, कहानी या आख्यान को याद करने के लिए नोट लिखने का महत्व सर्वविदित है। संदर्भ ग्रंथों व सहायक विषय सामग्री के संयोजन हेतु नोट लिखने का महत्व अत्यधिक है। ऐसा करने से कार्य सरल हो जाता है। किसी स्पीच के दौरान जो है दिए जा रहे संभाषण या प्रवचनों को संपूर्ण रूप से लिख पाना संभव नहीं होता, अतः समाचार पत्रों, टीवी चैनलों व अन्य स्थलों पर इनकी पुनरुक्ति करने के लिए नोट लिखकर ही कार्य को संपादित किया जा सकता है। और समाचार संकलन के दौरान नोट लिखने का महत्व जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस विधि के द्वारा समाचार का संकलन करना संभव हो पाता है। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भी नोट लिखना लाभकारी रहता है। रॉ जो हमारी खुफिया एजेंसी है, कह रहा है कि रॉ के समान राष्ट्रीय खुफिया तंत्रों के अधिकारीगण जो है अपनी डायरी में नोट लिखकर गोपनीय पहलुओं को जो है अन्य लोगों से बचा पाते हैं और शत्रुओं के चंगुल में डायरी पहुंच जाने पर भी गोपनीय तत्वों को समझ पाने में शत्रु असफल रहते हैं। अब मैं समझता हूं कि नोट मेकिंग के बारे में अब आप काफी जान गए होंगे, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए, नोट मेकिंग में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का भी प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए लिखा है वेरियस सिंबल्स यूजफुल इन नोट मेकिंग। ये विभिन्न प्रकार के सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे यहां पर देखिए ये देयर फोर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एज और बिकॉज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिसे चूंकि बोलते हैं, लीड्स टू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए एंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये जो आई और ई लिखा है इसके लिए ए, इसका मतलब दैट इज होता है। परसेंट को इस तरह लिखा जाता है, 100 को, 1000 को, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल है जिसे आपने देखा होगा कहीं अधिकांश बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, ठीक है, इजी लिखा है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल।
और यहां नेमली के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए ग्रेटर देन के लिए इक्वल टू, इसको तो आप जानते ही, मैथ वाले जानते होंगे, लेस देन, एट द रेट ऑफ के लिए इसका प्रयोग होता है, स्लैश ये चिन्ह लगता है, बिफोर के लिए ये, और कुछ विस्तृत शब्दों को संक्षिप्त फॉर्म लिखा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन को एटीएम लिखा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, कार्बन कॉपी को सीसी लिखा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को आईसीएसई लिखा जाता है, इंडियन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को आईएससी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को एनसीईआरटी, कमांडिंग ऑफिसर सर्कल ऑफिसर को सीओ लिखा जाता है, चीफ मिनिस्टर सीएम, जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ, प्राइम मिनिस्टर को पीएम, स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ लिखा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको एसपी लिखा जाता है। ये है फ्रेंच, ये आरएसवीपी जो है ये फ्रेंच टर्म है, रिप्लाई इफ यू प्लीज, ठीक है, इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज जो है ये फ्रांसीसी जो है संकेत है। इसे यूनाइटेड नेशंस को यूएन लिखा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को डब्ल्यूएचओ लिखा जाता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम को डब्ल्यूईएफ लिखा जाता है। कुछ और भी कंट्रक्शन है, जैसे कैप्टन को सीएपीटी डॉट, कंपनी को सीओ डॉट, कर्नल को सीओएल डॉट लिखा जाता है, डिस्काउंट को इस तरह डीआईएस डॉट लिखा जाता है, स्पेशली को एएसपी डॉट, फिगर को फेक डॉट, ऑनरेरी को ऑन लिखा जाता है, डॉट लिखा जाता है, इंच को आई एन डॉट लिखा जाता है, और लेबोरेटरी को लैब डॉट। उसी तरह है रेवरेंड को आरवी डॉट लिखा जाता है, साइंस को एससी डॉट लिखा जाता है, सितंबर को एससीपी डॉट, सिग्नेचर को इसमें सिग डॉट, सोसाइटी को एसओसी डॉट, टेक्निकल को टेक डॉट, ट्रांसलेशन को टीआर डॉट, टेलीफोन को पीईएल डॉट, और यूनिवर्सिटी को यूएनआईवी डॉट लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। नीचे देखिए बुक को इस तरह बी के लिखा जाता है, क्लास को सी एल, डॉक्टर को डी आर, ये तो पहले से ही प्रचलित है, डिपार्टमेंट को डेप लिखा जाता है, इस्टेब्लिश्ड को ई एस टी डी लिखा जाता है, गवर्नमेंट को जीओवीटी लिखा जाता है, लिमिटेड को एलटीडी लिखा जाता है, वेट को डब्ल्यूटी लिखा जाता है, और मिस्टर को ये एमआर लिखा जाता है, पॉइंट को पीटी, रिटायर्ड को आरईटीडी, स्टैंडर्ड को एसटीडी, फुट या फीट को एफटी लिखा जाता है, स्टेशन को एसटीएन लिखा जाता है, सेक्रेटरी को एससीसीवाई लिखा जाता है, वर्ब को वीवी लिखा जाता है, ईयर को वाई आर लिखा जाता है, और यार्ड को वाई डी लिखा जाता है। ये शॉर्ट, ये नोट मेकिंग में जो है इनका बहुत महत्व है, इनको जानना जरूरी है। अब यहां पर देखिए शॉर्टेंड आर डाइवर्टेड फॉर्म है, यहां पर जैसे एडवर्टीजमेंट को एड लिखा जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम को एड्स, नेटिव ऑफ ब्रिटेन इसको ब्रिटेन लिखा जाता है, मतलब ब्रिटेन के रहने वाले को, निवासी क्या बोलते हैं, ब्रिटेन, स्वीट बिस्कुट को कुकी बोला जाता है, क्लोज फ्रेंड को चम, केयरफुल इन चूजिंग को चूजी बोला जाता है, फार्मर स्पाउस मतलब पूर्व पति या पत्नी को एक्स बोला जाता है, इन्फेंट्री को फूट बोला जाता है, हैंडकरचीफ को हैंकी, बी इन स्टेट ऑफ एक्टिविटी को हम बोला जाता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को क्या बोला जाता है, इंटरनेट, इसका जो हम इंटरनेट शब्द यूज करते हैं उसका पूरा नाम क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंडियन सोल्जर को जवान बोला जाता है, लेबोरेटरी को लू बोला जाता है, लोगोटाइप को लोगो, सोयाबीन को शॉर्ट में सोया कहा जाता है, स्पेक्टिकल्स को स्पेक्स बोला जाता है, मेक स्पीसीज को स्पेसिफाई बोला जाता है, टेस्ट मैच को टेस्ट बोला जाता है, नेशनल फ्लैग ऑफ द यूके, यूके के नेशनल फ्लैग क्या बोला जाता है, यूनियन जैक बोला जाता है, यूनिवर्सिटी को वर्सिटी बोला जाता है, और क्रिसमस को एक्समस बोला जाता है। ये तो रहा कि विस्तृत चीजों को किसका संक्षिप्त फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आइए हम उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तब आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आएगा नोट मेकिंग का मतलब। कि यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहां पर इस तरह इंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आइए पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड एन अनप्रेसिडेंटेड स्पीच ऑन नेशनल टेलीविजन एट इवनिंग ऑन एट नवंबर 2016। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
कह रहे कि मेड एन अनप्रेसिडेंटेड स्पीच, एक अभूतपूर्व भाषण दिया ऑन नेशनल टेलीविजन, कह रहे कि नेशनल टेलीविजन पर, राष्ट्रीय टेलीविजन पर, एट इवनिंग ऑन 8 नवंबर 2016, कह रहे कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेलीविजन पर एक अभूतपूर्व भाषण दिया। ऑल करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेटिंग RS 500 एंड RS 1000 वे टू लॉस लीगल सैंक्शन फ्रॉम मिडनाइट। करें कि सभी ऑल करेंसी, सभी करेंसी नोट, करें कि डिनोमिनेटिंग 500 एंड 1000, जिसने 500 और 1000 रुपए की, 500 और 1000 रुपए के सभी करेंसी नोट जो है, वे टू लॉस लीगल सैंक्शन, ये अपना लीगल सैंक्शन खोल देंगे, मतलब कानूनी मान्यता खो देंगे फ्रॉम मिडनाइट, आधी रात से। बट नाउ करेंसी नोट्स ऑफ RS 500 आर टू बी रीइश्यूड, कह रहे कि लेकिन जो है 500 की जो नोट है उसे रीइश्यूड किया जाएगा, मतलब पुनः उसको निकाला जाएगा। वाइल जबकि RS 1000 करेंसी नोट्स विल बी कम्प्लीटली डन अवे विद, जबकि 1000 की करेंसी को जो है पूरी तरह से उसको डन अवे विद, मतलब पूरी तरह से उसको हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। नोट्स ऑफ 2000, कह रहा है कि 2000 के नोट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड नंबर फ्रॉम 10th नंबर, कह रहा है कि और 2000 के नोट जो है 10 नवंबर से जो है उनको लिमिटेड नंबर, मतलब सीमित संख्या में उनको जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब उनको निकाला जाएगा। ऑल नोट्स इन लोअर डिनोमिनेशन, कह रहा है कि सभी नीचे के मूल्य के सभी नोट जो है, करेक्ट, विल रिमेन अनअफेक्टेड, यह नोट जो है जो नीचे के मूल्य के हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, मतलब अप्रभावित रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल 500 और 1000 के नोट पर ही प्रभाव पड़ेगा। इट्स मेन पर्पस इज टू कर्ब करप्शन, करेक्ट, इट्स मेन पर्पस, इसका मुख्य उद्देश्य जो है इज टू कर्ब, लगाम लगाना है करप्शन, भ्रष्टाचार पर, ब्लैक मनी, काले धन पर, एंड टेररिज्म और आतंकवाद पर। इसका जो मेन रीजन था, मेन पर्पस था बंद करना इसको, वह जो था वो करप्शन, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर और आतंकवाद पर रोक लगाना। मिस्टर मोदी एड्रेस्ड टिल 40 मिनट, मिस्टर मोदी ने 40 मिनट तक संबोधित किया, एड्रेस में संबोधित करना। ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात किया कि हाउ इंडिया हैज बिकम द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, उन्होंने बात किया कि हाउ किस प्रकार जो है इंडिया हैज बिकम द ब्राइट स्पॉट, एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है इन दी ग्लोबल इकोनॉमी, कह रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा कि किस प्रकार भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट हो चुका है, एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। द पर्सन विथ ब्लैक मनी स्टैंड द मोस्ट अफेक्टेड, कह रहा है कि द पर्सन विथ ब्लैक मनी, जो काले धन वाले लोग हैं, स्टैंड द मोस्ट अफेक्टेड, वही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। द बैंक्स आर एक्सपेक्टेड, बैंकों से आशा की जाती है टू एक्सपीरियंस मेनी प्रॉब्लम, कि वह कई समस्याओं का को अनुभव करेंगे, कई समस्याओं का सामना करेंगे, अनुभव करेंगे। द मेन प्रॉब्लम इज द मैनेजरियल डिफिकल्टी ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग क्यू, कह रहे कि उन्होंने कहा कि जो मुख्य समस्या है इज द मैनेजरियल डिफिकल्टी ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग क्यू, क्यू माने होती है पंक्ति या कतार, कह रहे कि लंबी कतारों को हैंडल करना है, कि इसमें जो मुख्य समस्या होगी वो लंबी कतारों को संभालने की प्रबंध की कठिनाई होगी उसमें। सरकार ने मतलब है कि इसमें जो मुख्य समस्या होगी वो लंबी कतारों को संभालने संबंधित होगी, कि किस तरह इसको संभालना है, क्योंकि जब ये 500-1000 के नोट समाप्त किए गए तो बैंकों सामने जो है कई दिनों तक लंबी कतारें लगती रही और लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मैनी पीपल क्रिटिसाइज्ड मिस्टर मोदी डिसीजन, बहुत सारे लोगों ने मिस्टर मोदी के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, अर्थात बहुत सारे लोगों ने मिस्टर मोदी के इस निर्णय की आलोचना की। अब ये तो रहा पैसेज, अब के नीचे क्या लिखा है, कहता कि मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एबव पैसेज, कहता कि मेक नोट्स, नोट बनाइए ऑन द बेसिस, कहता कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के आधार पर, ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर के दिए गए पैसेज के बारे में, ऊपर दिए गए पैसेज के बारे में अपनी समझ के अनुसार आप नोट बनाइए। कह रहा है कि यूजिंग हेडिंग्स, हेडिंग का प्रयोग करते हुए, एंड सब हेडिंग, और सब हेडिंग का प्रयोग करते हुए। हेडिंग मतलब एक मुख्य हेडिंग होती है, उसके अंदर जो और छोटी छोटी हेडिंग होती है तो उसको सब हेडिंग बोलते हैं। तो अब आइए देखें हम इसको कैसे हल करना है। यहां से इसका आंसर लिखा हुआ है, लिखा है हेडिंग, ठीक है। अब इसकी हेडिंग क्या होगी,
इसकी हेडिंग होगी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी, इसकी हेडिंग होगी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी। अब देखिए अब ये हेडिंग डाल देंगे, अब हम नोट्स बनाएंगे, ठीक। अब हेडिंग हो गई, उसके अंतर्गत नोट्स के अंतर्गत हम जो है सब हेडिंग यहां पे लिखा हुआ है ना, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करेंगे। तो ये हेडिंग हो गई, उसके बाद नोट्स के अंतर्गत हम सब हेडिंग का यूज करेंगे। अब इसको नाम जो ये प्रक्रिया अपनाई गई थी इसको कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन अर्थात विमुद्रीकरण। अब देखिए यहां पर है नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन आर एस 500 and 1000 टू लॉस लीगल सेक्शन, कह रहा है कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो अपनी कानूनी मान्यता खो देंगे। देखिए जो पूरा हमने अभी पैसे ऊपर पढ़ा है उसको हम 60 नोट मेकिंग कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज छूटेगी नहीं, हम जब चाहे उसको विशेष रूप में सेम वही लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर है एबोलिशन ऑफ 1000 नोट्स और 1000 के नोटों की समाप्ति, 1000 के नोट को समाप्त किया गया था और 500 और 1000 के नोट अपनी कानूनी मान्यता खो चुके थे और 1000 के नोट को पुनः समाप्त कर दिया गया, तो अभी तक उसको निकाला नहीं गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ 500 and 2000 नोट्स, कह रहा है कि 500 और 2000 के नोटों को इंट्रोड्यूस कराना, अर्थात नए जो है 500 और 2000 के नोटों से परिचय कराना। बाद में जो है अब जो 500 नोट आया है वह पुराने नोट से बदला हुआ है और 2000 का नोट भी नया चलन में आया था और वो भी चूंकि वो तो नया चलन में आया ही था। उसके बाद है ऑल नोट्स इन लोअर डिनोमिनेशन विल बी कंटिन्यूड, सभी कह रहा है कि जो और बाकी जो नोट्स हैं जो लोअर डिनोमिनेशन के अर्थात जो कम मूल्य वर्ग के हैं, कह रहा है विल बी कंटिन्यूड, वो निरंतर वैसे ही चलते रहेंगे, मतलब 500 और 1000 को छोड़कर जितने भी नोट थे वो अनएफेक्टेड थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। फिर अब ये एक सबहेडिंग हो गई, फिर दूसरी सबहेडिंग है पीएम मोदीज ओपिनियन, पीएम मोदी की राय, मतलब इस पर उनकी राय क्या थी। देखिए नोट्स ऑफ 500 and 1000 विल प्रूव वर्थलेस, उनकी राय थी कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो वर्थलेस साबित हो जाएंगे, अर्थात वह जो है वह महत्वहीन साबित हो जाएंगे। इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट, इंडिया एक जो है ब्राइट स्पॉट है, एक महत्वपूर्ण स्थान है, किसकी दृष्टि से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से भारत जो है एक ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि यहां पर काफी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन है तो यहां पर एक बहुत बड़ा बाजार है। अब तीसरी सब हेडिंग क्या है, तीसरी है प्रॉब्लम समस्याएं, इसमें समस्याएं कौन सी आई, मैनेजरियल लॉन्ग क्यू, किसी समय कह रहे हैं लंबी लंबी कतारों को मैनेज करने की, कह रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों के को मैनेज करने की मतलब उसका प्रबंध करने की, उसको संभालने की समस्या थी। डिपॉजिट और एक्सचेंज ऑफ डिमोनेटाइज्ड नोट्स, और दूसरी समस्या क्या थी, डिपॉजिट जमा करना और एक्सचेंज या बदलना आप डिमोनेटाइज्ड नोट्स, मतलब विमुद्रीकरण किए गए नोट को जमा करना और उसको बदलना, ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी। और चौथा है क्रिटिसिज्म बाय द पीपुल, चौथा है लोगों द्वारा आलोचना, मतलब लोगों द्वारा की गई आलोचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस निर्णय की आलोचना बहुत सारे लोगों द्वारा की गई, जिन्हें जो है पैसे बदलने में या जमा करने में उनको परेशानियां उठानी पड़ी। तो स्टूडेंट्स ये रहा एक उदाहरण नोट मेकिंग का, और आशा करता हूं कि इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमको परीक्षा में अगर देगा तो हमें कैसे इसको नोट मेकिंग करना है। जहां पर अब जितनी भी चीजें मैंने बताई इसको उतने बड़े विवरण को इतना छोटे में नोट कर लिया गया है, अब आप जो है इसको जब चाहें तब विस्तृत रूप दे सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी बनाना है, जो भी नोट मेकिंग इस तरह से करें कि उसको जब चाहें हम फिर से विस्तृत रूप में दे सकें। और नोट मेकिंग बनाते समय शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो मुख्य हेडिंग होती है उसमें शॉर्ट फॉर्म को यूज नहीं करते। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और भी जो चीजें इस सिलेबस में नई इंक्लूड की गई हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, मैं उसको धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा जिसे समय मिलेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।